जय हिंद। चलिए इस वीडियो में जानेंगे ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम इस वीडियो में जानेंगे क्योंकि हम लोग जानते आए हैं, इससे पहले तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम जान गया, लेकिन इसमें ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम्स, क्या पढ़ेंगे? ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। जब हम लोग ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। जितने भी सिस्टम इंपॉर्टेंट जो सिस्टम्स वर्क होते हैं, जो यहाँ पे आया है हम लोग लिख दिए। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो 11th 12th तक आपका एकदम, मतलब क्या कहते हैं ना, बायो में एक्सपर्ट हो जाइएगा आप, समझ रहे ना? कहाँ तक हो जाएगा? तो 12th तक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं ह्यूमन बॉडी। हाँ, और एक जरूरी बात, आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना भी ना भूले, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, लाइक नहीं करते हैं ना, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, समझ गए ना? तो डीमोटिवेट नहीं करना है किसी को, क्योंकि उसे हौसला बढ़ाना है, क्योंकि वह आगे बढ़े। आप सभी को देखिए, ये तो वैसा चीज़ नहीं, जैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो इससे उल्टी होने लगेगा। देखिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। आप जहाँ मिले, छोटा बच्चा से, बड़ा बच्चा से, किसी से भी अगर सीखने के लिए मिलता है तो आप सीखिए, नहीं उससे हिचकिचाते हुए, समझ गए? चलिए हम लोग जानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ह्यूमन बॉडी जानते हैं। ह्यूमन बॉडी होता है मानव शरीर। ह्यूमन बॉडी मीन्स मानव शरीर होता है। तो ह्यूमन बॉडी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिविंग मशीन्स है। ह्यूमन बॉडी एक लिविंग मशीन्स है, जैसे कि एक कंप्यूटर मशीन्स है, उसी तरह एक ह्यूमन बॉडी मशीन्स की है। जैसे कि कंप्यूटर में करने के लिए छोटे छोटे होते हैं, जैसे कीबोर्ड होते हैं, सीपीयू होते हैं, माउस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने भी होते हैं, तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है, कंप्यूटर का एक सिस्टम बनता है। उसी तरह हम लोग मिल रही बहुत सारे छोटे छोटे तरह हम लोग मिल रही बहुत सारे छोटे छोटे तत्व मिलकर, छोटे छोटे कंपोनेंट्स मिलकर, जब हम लोग बनता है एक बड़ा होल चीज बनता है ना, एक बड़ा चीज बनता है, एक कंपोनेंट्स बनता है ना, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी तरह ह्यूमन बॉडी का है। उसी तरह जिस तरह हम लोग मशीन्स में कंप्यूटर की तरह करते हैं, उसी तरह ह्यूमन बॉडी में, बट ये लिविंग थिंग्स है। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का जो लिविंग मशीन्स, ह्यूमन बॉडी एक लिविंग मशीन्स की तरह है। जैसे कंप्यूटर वर्क करता है, उसी तरह ह्यूमन बॉडी भी वर्क करता है, बट ये ह्यूमन बॉडी को माइंड रहता है, कंप्यूटर को नहीं। कंप्यूटर को चलाना पड़ता है, ह्यूमन बॉडी खुद चलता है, समझ गए? तो उसी तरह छोटे छोटे तत्व से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स। उसी तरह कुछ जैसे कि एक चीज़ है तो होगा ना, जैसे कि कीबोर्ड आया कंप्यूटर में, माउस आया, सीपीयू आया, उसी तरह यहाँ पर भी बहुत सारा कुछ कुछ आकर मिलता है, फिर भी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो वही चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो ह्यूमन बॉडी इज अ लिविंग मशीन। ह्यूमन बॉडी एक लिविंग मशीन की तरह है। आता है सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल होता है ना, सबसे छोटी इकाई होती है, जो शरीर का जो मतलब बनने में जो मदद करती है, सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कि घर, मान लीजिए घर, तो घर बनने का सबसे छोटी इकाई क्या है? जैसे कि बालू हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, तब ना इसे जोड़ जोड़ कर, उसके बाद ईंट हो गया, तब ना इसको जोड़ कर ईंट बनाते हैं, क्या इससे ईंट बनता है, तो इसको ठकियाएंगे तब ना, तो उसको पिलर मजबूत किया जाता है। तो उसी तरह छोटे कंपोनेंट्स जब अच्छा रहता है तब पिलर मजबूत होता है। उसी तरह सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जो सेल होता है छोटी इकाई होती है। सब सेल्स ज्वाइंट टू मेक अ टिश्यू। कुछ सेल मिलकर क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? तो कुछ सेल मिलकर, जैसे कि मान लीजिए ये हुआ ना, कुछ सेल मिलकर, मान लीजिए सेल, तो कुछ सेल मिलकर क्या क्या फॉर्मेशन करते हैं? तो टिश्यू के फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि सेल है तो यह टिश्यू, मान लीजिए ये टिश्यू हो गया, ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन बट दैट इज वन कंडीशन, बट सम टिश्यू टू ज्वाइंट्स, सम टिश्यू ज्वाइंट टू मेक अ ऑर्गन। लेकिन कुछ और टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, मतलब एक अंग के निर्माण करता है। द फॉर्मेशन ऑफ सम टिश्यू टू ज्वाइंट्स मेक टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो सम टिश्यू टू ज्वाइंट्स मेक टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, मतलब कुछ टिश्यू मिलकर एक आदमी के क्या होता है, जो ऑर्गन रहता है ना, ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन रहता है, अंग रहता है, उसका निर्माण करता है। बट देयर इज वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन। देखिए, सम ऑर्गन्स ज्वाइंट्स टू मेक द होल बॉडी, लेकिन कुछ और अंग मिलकर, कुछ अंग मिलकर क्या होल, पूरे शरीर को बनाता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी सेम एथी होता है, सेम वे होता है। जैसे कि कंप्यूटर के लिए सीपीयू हो गया, माउस हो गया,
कीवर्ड हो गया, मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। उसी तरह जैसे कि हाथ है एक अंग है, हाथ है एक अंग है, पैर है एक अंग है, नाक है एक अंग है, और सबको मिलाते एक होल बॉडी होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे होल बॉडी, तो ये जान गए। इसे उतारना है तो उतार सकते हैं क्या, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को हम डेफिनेशन सर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, शॉर्ट वर्ड और इम्पोर्टेंट मिलकर एक डेफिनेशन लिखवाया है, समझ गए। यह डेफिनेशन उसका है, बहुत अच्छा है, उतारना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसे याद कर समझिए। याद करने से कुछ नहीं होगा, रखने से कुछ नहीं होगा, समझिए, समझ लीजिएगा। तो एक बार समझ लीजिए उसको अपने से बैठा सकते हैं, समझ गए ना। अच्छा, अब आते हैं ऑर्गन क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम सब द बॉडी, ऑर्गन सिस्टम जो बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आता है, जो मेन वर्ग आता है यहाँ पे लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बताए ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिए हैं, तो और पढ़ते और पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो चीज़ आपको पसंद आएगा, इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आए, जो सिस्टम पसंद आए आप लोग कमेंट करके, इंटरेस्टेड उस मतलब थीम है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वो इसके बाद इस लेक्चर के बाद वो लेक्चर तैयार कर दिया जाएगा, मतलब पढ़ेंगे हम लोग। अभी आता है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम की हिंदी होता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम का हिंदी होता है कंकाल तंत्र। अब इसे नाम जानेंगे, फिर हम लोग जिस तरह आगे बढ़ेंगे उस तरह उसका डेफिनेशन जानेंगे। फिर उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या पाचन तंत्र, क्या होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो बिल्कुल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, पाचन तंत्र हम लोग पढ़ चुके थे, उसका हिंदी होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इंग्लिश होता है और हिंदी होता है पाचन तंत्र, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, आप कुछ भी बोलिए, रिस्पायरेशन सिस्टम बोलिए एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलिए, बात एक ही होता है यहाँ पर, इसलिए दोनों लिख दिए हैं, समझ गए। उससे क्या होते हैं, श्वसन तंत्र या प्रणाली कहते हैं, श्वसन तंत्र या प्रणाली कहते हैं, किसको कहते हैं श्वसन तंत्र या प्रणाली, किसको कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को या रिस्पायरेशन कह सकते हैं, समझ गए ना। उसके बाद आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम किसे कहते थे, एक्सक्रेटरी सिस्टम परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र को कहते हैं, सॉरी परिसंचरण तंत्र को एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं कहते हैं, आप लोग भी ध्यान दिया करिए, परिसंचरण तंत्र को एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, समझ गए। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा है निकाल देने वाली प्रणाली, उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं, समझ गए। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम को आप लोग भी ध्यान देकर पढ़ा करिए, क्योंकि मैं गलत बताऊँ ऐसा ना हो सके, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम्स मतलब अंतरस्रावी प्रणाली, अंतरस्रावी प्रणाली इंडोक्राइन, जैसे हम लोग ग्लैंड चैप्टर पढ़ेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड पढ़ेंगे, मतलब एक इंडोक्राइन में अंतरस्रावी, एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी, मिक्स ग्लैंड मतलब मिश्रित स्रावी पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, तो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ लिया, मतलब अंतरस्रावी प्रणाली। अब आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट बहुत है, एक पूरा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप बायो एक्सपर्ट बन सकते हैं, समझ बन सकते हैं, मतलब एक्सपर्ट बन सकते हैं हर चीज़ में, नहीं ये चीज़ में एक्सपर्ट हो जाइएगा, क्योंकि यार बॉडी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है ना, ये जानना जरूरी होता है। आप किसी को एडवाइस भी दे सकते हैं इसके बारे में, समझ गया। तो नर्वस सिस्टम में ये होता है क्या, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र होता है किसका, तो नर्वस सिस्टम का ना तंत्रिका तंत्र होता है। अच्छा, अब आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या होता है, था प्रजनन प्रणाली होता है, क्या होता है, था प्रजनन प्रणाली होता है। आप सभी लोग इसको उतारिए तब तक, या स्क्रीनशॉट लेना तब तक लीजिए, मैं हट जाता हूँ। एसिकल्टन सिस्टम, चलिए अब जानते हैं एसिकल्टन सिस्टम। एसिकल्टन सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है, तो जनरली फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जो जनरली फ्रेम करता है ना, जो ढांचा बनाया जाता है किसका, जो जनरली सब आदमी का जो ढांचा बना रहता है, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन्स, जो मतलब जो हड्डियों का जो ढांचा बना है, उसे एसिकल्टन सिस्टम बोलते हैं, समझ गए ना। द जनरली फ्रेम्स वर्क ऑफ द बोन्स इज बिल्ड अप मेनली ऑफ अ सीरीज ऑफ
बोन्स, सीरीज ऑफ बोन्स, जो मतलब जो फ्रेमवर्क होता है, जो एथिकल जो शरीर का फ्रेमवर्क होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं एथिकल सिस्टम का ही बना रहता है। फ्रेमवर्क होता है मेनली बिल्ड ऑफ सीरीज ऑफ बोन्स, जो बोन्स रहता है वह एक सीरीज के बाद सीरीज वाइज रहता है। क्या रहता है वो बोन्स सीरीज वाइज रहता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आप समझिए, रखिए मत, समझिए, समझ गए। अब आते हैं फंक्शन ऑफ द एसिकल्टन सिस्टम, फंक्शन ऑफ द एसिकल्टन सिस्टम, फंक्शन क्या होता है, एसिकल्टन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है टू प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप्स ऑफ द बॉडी, टू प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप्स ऑफ द बॉडी, टू प्रोवाइड, वो हमें प्रोवाइड कराता है क्या, एक डेफिनेट शेप होता है बॉडी का, जो डेफिनेट शेप रहता है वह एसिकल्टन सिस्टम के कारण ही रहता है। आप इमेजिन करिए, जब आपका एसिकल्टन सिस्टम ना रहे तो आपका बॉडी का शेप किस तरह रहेगा, किसी तरह रहेगा, मान सर कितना भी आदमी मोटा है तो इसमें थैली में रख आ सकता है, थैली की तरह हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे थी है तो क्या होता है, उसे ज्यादा होता है ना, उसी तरह ठीक रहता है। चलिए आप लोग ये उतारिए, फिर समझाते हैं।